अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज यहाँ पे मेरी लास्ट डे है मेरा, और यहाँ पे हम मामा बैठ के नाश्ता कर रहे थे, तो आज मुझे निकलना है और सब कुछ हो गया था, तो फिर यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी निकलने के लिए। और यहाँ पर अम्मा बहुत ज़्यादा रो रही थी, मुझे भी मतलब बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैंने ख़ुद को कंट्रोल किया था, क्योंकि अगर मैं रो देती तो फिर अम्मा कमज़ोर पड़ जाती। और फिर इसके बाद मैं निकल गई थी। बहुत अजीब लग रहा था, जब से अब्बा की डेथ हुई है और भाई नहीं है इस दुनिया में, तब से अम्मा ना बहुत कमज़ोर हो गई, उसका दिल बहुत कमज़ोर हो गया है। बस हर टाइम रोती रहती है, अप्पी के लिए, भाई के लिए, अब्बा के लिए, क्योंकि एक माँ का दिल जो होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो अपने बच्चों को मतलब परेशानी में नहीं देख सकती। और अप्पी का जो दुख है वो तो ख़त्म, मैं क्या कहूँ, वो जो दुख है ना हम तो सोच भी नहीं सकते उसके लिए क्या दुख है। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी बस में, मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैं तो अम्मा के सामने नहीं रोई थी, क्योंकि अगर मैं कमज़ोर पड़ जाती तो फिर अम्मा तो और कमज़ोर पड़ जाती, इसलिए मैं अम्मा और अप्पी के सामने बिल्कुल नहीं रोती। मैं अकेले में रो लेती हूँ लेकिन उनके सामने बिल्कुल नहीं रोती। और यहाँ पर बस हमारी निकल गई थी और हम पहुंच गए थे लखनऊ। आज ना हम काफ़ी लेट निकले थे, 3 बजे वाली बस से निकले थे, क्योंकि मुझे आने में ना थोड़ा सा लेट हो गया था, तो यहाँ पे हमें पहुंचने में काफ़ी टाइम लग गया था। ये रात के 7:30 बज गए थे और ये हम पहुंच गए थे, ये देख रहे हैं एमा मऊ हम पहुंच गए थे। और यहाँ पर हमने सामान वामान उतार लिया था और यहाँ पे हम ऑटो का वेट कर रहे थे, क्योंकि ना यहाँ से जो ऑटो जाते हैं वो काफ़ी महंगा लेते हैं, पैसे हम काफ़ी महंगे बताते हैं। तो हमने यहाँ से ऊबर बुक किया था, तो हम अपनी ऊबर का वेट कर रहे थे और फिर हम आ गए थे घर। और ये नेक्स्ट डे था, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं, 1 मंथ बाद आए हैं, तो कुछ चीज़ें घर पर नहीं थी, तो मैंने सोचा जा के ले लूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो थी जैसे दाल वाल थे जो वो ख़राब हो गए थे, उसमें कीड़े लग गए थे, और 1 मंथ बाद हम लोग आ रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें जो कि नहीं ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो आज ग्रॉसरी ही कर लेते। तो यहाँ पे हम चले गए थे ग्रॉसरी करने, और जिक्रा के पापा को मिल गया था इंटरटेनमेंट देखने। हो गया चलो एक भी सारा मिस हो रहा है। दिख रहा को दे, दिख रहा आप जाओ बाबा। अब आपकी बात मारो 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 और हो गया, 6 बॉल थी और हो गया। हाँ फिर शुरू हो गया ना, अब ले लेना। आप हटो, अभी बाबा को चक्का चौका मारने दो। चलो भाई उसको चलो, ओके चलो जिक्र आप चले। एक बच्ची है और वन टू
चले बस चलो हो गया चले दिख रहा चल बॉल वो तो रख दिया चलो। और ये यहाँ पे जब बड़े थे तो ये आंवले के मुरब्बे थे ये जो दे रहे थे ना 800 रुपए केजी दे रहे थे। ये सुन के शॉक्ड हो गए कह रहे 800 रुपए केजी, मैं तो लेके आया 130 रुपए का एक केजी लेके आया। मैंने कहा हाँ आप आजमगढ़ से लेके आए ना, यहाँ पे सही में बहुत कॉस्टली देते हैं। तो यहाँ पे ये तो एकदम पूरा शॉक्ड हो गए थे कि हाय अल्लाह इतना महंगा मुरब्बा, वो भी आंवले का मुरब्बा। फिर यहाँ पे जब हम बड़े आ गए तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और जो कुछ काउंटर थे ना वो वहाँ पे लोग थे ही नहीं, काउंटर ऐसे ही खाली पड़े हुए थे, वहाँ पे लोग नहीं थे। और ना आज हमें ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली थी जो कि ज़िक्रा को पीनी थी, बाहर रखी थी। तो जितने भी फ्रीज थे ना आसपास सब में जा जा के झांक रही थी कि अगर किसी में कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो मैं ले लूँ, लेकिन यहाँ पे इसको मिल ही नहीं रही थी कोल्ड ड्रिंक, ठंडी नहीं मिल रही थी। मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं मिली ना। और यहाँ पे ना मैं काफ़ी थक गई थी खड़े खड़े क्योंकि फिर जगह ही नहीं मिली थी। और फाइनली फिर हमें मिली एक जगह जो कि हमने वहाँ पे अपनी बिलिंग करवाने के लिए लगा दिया था। और उसके बाद इनको भी ना फ्रिज दिखी तो इन्होंने कहा जाऊँ देखो इसमें कोई ठंडी कोल्ड ड्रिंक है कि नहीं, तो वहाँ पे भी इनको नहीं मिली। तो फिर हमने अपनी बिलिंग करवाई और हम आ गए दिखा। तो ये था मेरा ब्लॉग, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।